एक समय था जब लोगों को अपने मकान और दुकान के नक्शे पास कराने या फिर किसी हाउसिंग स्कीम की जानकारी प्राप्त करने के लिए विकास प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता था। अब लोगों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ही भूखंड के नक्शे पास तो हो ही रहे हैं और साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित तमाम हाउसिंग स्कीम में ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी और आवेदन करने की सुविधा भी प्राप्त हो रही है, जिससे लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कार्य होने से विभाग के कार्यों में पारदर्शिता आ गई है। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्रयास रहता है कि लोगों को सभी सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं। मुरादाबाद में डिजिटल इंडिया कैसे काफ़ी असरदार दिख रहा है, उससे एक चीज़ तो फायदा हुआ है हम लोगों को कि हमें कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी सरकारी कार्यालय में। जैसे सरकार कोई सुविधा कराती है तो उसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, जिससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। और साथ दूसरी बात यही बड़ा बेनिफिट है कि हमें सारी चीज़ें सुविधाएँ डिजिटल इंडिया के थ्रू घर बैठे मिल जाती हैं और इसका अप टू डेट सारा डाटा मिल जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं क्या है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके इसके लिए कार्य करता है और साथ साथ जो है पूरे शहर का एक प्लान डेवलपमेंट हो उसके लिए वर्क करता है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, हमारा एंडेवर ये रहता है कि वो सर्विसेज जो है लोगों को घर बैठे मिलें और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और इसके अलावा कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं, पोर्टल्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग जो है लोगों को घर बैठे चाहे वो संपत्तियों का डिस्पोजल हो, चाहे वो उनको कोई किसी प्रकार की शिकायत इत्यादि का कंप्लेंट लॉन्च करने का सिस्टम हो, किसी प्रकार के अवैध निर्माण को जो है रिपोर्ट करने का सिस्टम हो, हमारे यहाँ से इवन कोई कार्रवाई होती है उसमें भी ऑनलाइन नोटिस इशू करने का सिस्टम हो, नक्शे किसी को अप्लाई करने होते हैं तो ओबी पास सिस्टम के माध्यम से किए जा सकते हैं।